आइए दोस्तों एक रेगुलर 3D हेप्टागन या हेप्टागोनल प्रिज्म बड़े ही रचनात्मक विधि से बनाना सीखें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए A4 साइज शीट, स्केल, टेप, कैंची, पेंसिल, रबर, ग्लू इत्यादि। A4 साइज शीट लीजिए, उसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए और इन दोनों जो आपके दोनों हाफ हैं इनमें भी एक एक फोल्ड बना दीजिए अपने स्केल की सहायता से, और ये दोनों फोल्ड एक ही तरफ बनेंगे। अगर ऊपर तरफ बना रहे हैं ऊपर, नीचे बना रहे हैं तो नीचे, और अपने जो भी आपने फोल्ड करे हैं उन सबको आप सीधा कर दीजिए ताकि वो शार्प दिखाई दे। फोल्ड शार्प रहते हैं तो मॉडल भी सुंदर दिखाई देता है। अब इस मॉडल को आप बंद कर दीजिए एक तरफ से। और पलट के इस टेप को दूसरी तरफ चिपका दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपको एक अगरबत्ती के डिब्बे की तरह एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसकी चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल होता है हेप्टागन का 360/7, दैट इज़ 51.42, और इसका आधा हो जाएगा 25.71। तो हम लेंथ निकाल लेंगे अपने हेप्टागन की हर एक साइड की, 8 × 10 25.71, और इसे आप अपने स्मार्टफोन की सहायता से 8 × 10 25.71 3.85 हो जाएगा। अब हमें पता चल गया हमारे हेप्टागन की हर साइड की लेंथ होगी 3.9 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से चार पट्टियां काट लेंगे 3.9 सेंटीमीटर लेंथ की। तो आप चार पट्टियां बना लीजिए उसकी जिनकी चौड़ाई 3.9 सेंटीमीटर हो। अब इन्हें आप बीच में से काट लीजिए। और इन्हें दो भागों में आप कर दीजिए। आपको चार स्ट्रिप्स मिल जाएंगी आधी आधी, आठ स्ट्रिप्स मिल जाएंगी आधी आधी। हमें इनमें से सात ही यूज़ करेंगे, एक हमारी बच जाएगी। और इन सात स्ट्रिप्स को आप एक दूसरे के साथ चिपका दीजिए। चिपकाने के लिए आप टेप बस बीच वाले भाग में ही लगाइए, ऊपर और नीचे वाले भाग में टेप नहीं लगना चाहिए। दोस्तों अगर आपने सर्कल में कॉर्ड पढ़ा होगा तो आप ये फॉर्मूला समझ सकते हैं, L=W tan θ/2। या आपने टीचर की सहायता ले सकते हैं। अब इन सातों स्ट्रिप्स को चिपकाने के बाद में पहले और सातवें स्ट्रिप को चिपका दीजिए तो ये अपने आप एक हेप्टागन का शेप ले लेगा। इस शेप को स्टेबल करने के लिए इसके अंदर आप कुछ भारी चीज़ रख दीजिए, कोई भारी कटोरी वगैरह। मैं इसमें अपना ऑक्टागन रख देता हूँ ताकि ये हिले डुले ना और इसको चिपकाने में परेशानी ना हो। अब आप इन सारे फ्लैप्स को एक के ऊपर एक चिपका दीजिए। और जैसे ही आप एक तरफ चिपका लेंगे आपका मॉडल स्टेबल हो जाएगा। इसमें से आप ऑक्टागन या जो चीज़ आपने रखी है उसे निकाल लीजिए और दूसरी तरफ भी सारे फ्लैप्स को आप चिपका दीजिए। इस तरह थोड़ी देर में आपका एक हेप्टागन आपको मिल जाएगा जिसकी साइड सात साइड होंगी और हर साइड की लंबाई 3.85 सेंटीमीटर 3.9 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मेरा चैनल लेट्स थिंक डिफरेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखने के लिए धन्यवाद।